दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज के वीडियो में ऐसे शख्स के बारे में जानने हैं जिसने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एक वाटर प्यूरिफायर का आविष्कार किया और उसे क्या पता कि वो आविष्कार आज करोड़ लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध करा रहा है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्विंग गुरुज में। मैं आपका दोस्त कमलेश, लेट्स डू इट। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनी के संस्थापक डॉक्टर महेश गुप्ता के बारे में। डॉक्टर महेश गुप्ता एक आईआईटी इंजीनियर थे। वो देश की जानी मानी नॉर्दर्न कंपनियों में से एक इंडियन ऑयल में 11 सालों तक प्रबंधक काम करते रहे। 1988 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहा। शुरू में उन्होंने अपना एक ऑयल टेस्टिंग लैब बनाया तो बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा। 15 एम्प्लॉय भी रखे। कुछ दिन अच्छा चलने के बाद बिजनेस उनका बंद होने के कगार पे आ गया। उसी दौरान उनके दोनों बच्चे दूषित पानी पीने से बीमार पड़ गए। तो डॉक्टर महेश गुप्ता सोचे कि दूषित पानी से बच्चे बीमार पड़ गए, तो उसमें मार्केट में उपलब्ध जितने भी आरओ बनाने वाली कंपनियों को सबको टेस्ट किया, कोई भी उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं दे पाया। तो आईआईटी इंजीनियर होने के नाते उन्होंने खुद एक आरओ डिज़ाइन किया जो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने लगा। उससे उनके मन में एक नया बिजनेस का आइडिया आया कि क्यों ना आरओ बिजनेस भी किया जाए। तो उस टाइम पे उन्होंने अपने बचाई हुई पूंजी 5 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकाले और एक आरओ कंपनी की स्थापना की जो उन्होंने अपने गैराज में शुरू किया। और दोस्तों, गैराज ध्यान रखिएगा हमेशा, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ गैराज से शुरू हुई हैं। दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन स्थित अपने घर के गैराज में उन्होंने कंपनी की स्थापना की और वाटर प्यूरिफायर डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में उन्हें बहुत परेशानी हुई क्योंकि वो दोनों कंपनी को संभालना पड़ता था। पहले साल में उनको बिक्री में बहुत तकलीफ करनी पड़ी। मुश्किल से वो 100 प्यूरिफायर बेच पाए और उसका सबसे मुख्य कारण ये था, डॉक्टर महेश गुप्ता का जो प्यूरिफायर था वो 20,000 रुपये के आसपास बैठता था और उसमें मार्केट में जो और प्यूरिफायर थे वो 5,000 से स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन इन सब के बाद भी डॉक्टर महेश गुप्ता हार नहीं माने। वो ढूंढते रहे कि कैसे अपनी सेल को बढ़ाया जाए। मार्केट में उपलब्ध उस टाइम के जितने भी प्यूरिफायर थे सब यूवी तकनीक पर आधारित थे जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया को मारते थे, लेकिन जो अन्य पानी में हानिकारक तत्व थे उसको नहीं निकाल पाते थे। तो बस डॉक्टर महेश गुप्ता यहीं पे उनका दिमाग क्लिक कर गया कि हमें पानी में मौजूद सभी हानिकारक तत्वों को निकालना है बिना अच्छी बैक्टीरिया को मारे हुए जो हमारे शरीर को फायदा करती है। डॉक्टर महेश गुप्ता अपनी क्वालिटी पर हमेशा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे लोगों को इनके क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में पता चलता गया और इनकी माउथ पब्लिसिटी अपने आप बढ़ती गई। जैसे ही माउथ पब्लिसिटी बढ़ती गई, 2010 में इन्होंने 2,25,000 आरओ एक साल में बेच दिया। डॉक्टर गुप्ता ने अपने 2006 में अपने बिजनेस मॉडल की रीब्रांडिंग की और नए सिरे से उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर ऑफ सेल्स सर्विस का भरोसा दिया। आरओ का मार्केट साइज 3,000 करोड़ रुपए का है इस टाइम पे और उसमें 35% अकेले केवल डॉक्टर महेश गुप्ता की कंपनी का है शेयर है। तो दोस्तों, आपने अंदाजा लगाया हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया। हम बात कर रहे हैं केंट कंपनी के मालिक हैं डॉक्टर महेश गुप्ता। केंट आरओ सिस्टम आज जीरो डेप्ट कर कंपनी है। जीरो डेप्ट मीन्स कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कर्ज नहीं है। कंपनी अपने बिजनेस मॉडल से ही ग्रो कर रही है और आज सार्क देशों नेपाल, केन्या, बांग्लादेश को आरओ कंपनी आरओ सप्लाई कर रही है अपने नोएडा स्थित प्लांट से। डॉक्टर महेश गुप्ता की कंपनी केंट आरओ आज इंडिया की सबसे मानी जानी आरओ कंपनी में से एक है जो करोड़ों का कारोबार कर रही है। डॉक्टर महेश गुप्ता ने कभी नहीं सोचा था कि उनका एक छोटा सा आविष्कार जो अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया था उस करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा हो गया है, करोड़ों लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करा रहा है। दोस्तों, तो सच ही कहा है किसी ने कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो डॉक्टर महेश गुप्ता के जीवन में सीख लेनी चाहिए कि हमें भी आसपास देखते रहना चाहिए कोई परेशानी है जिसका हम सोल्यूशन दे सके। हो सकता है हमारा सोल्यूशन करोड़ लोगों की जिंदगी आसान कर दे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का आपका वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आगे आप किस पर्सनालिटी के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ में अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल के मिलते रहें। और इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर शेयर करें जिससे लोग महेश गुप्ता के बारे में जान सकें। साथ में पूरा वीडियो देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।